एक पिछले दस दिनों से हम लोग इस केस पे काम कर रहे थे। लगभग पिछले 1.5-2 महीनों से पटना एवं आसपास के इलाकों में हाईवे लूट की कई घटनाएं हुई थी, खास करके मोकामा में, बख्तियारपुर में, दीदारगंज में, गौरीचक में, उसके अलावा नालंदा, बक्सर, रोहतास, बेगूसराय, नौगछिया, खगड़िया, लगभग कुल 12 घटनाएं थीं और पिछले 1.5 महीने के अंतराल में हुआ था। और इसमें एक आश्चर्यजनक बात यह भी है कि इस केस में पिछले दिनों गौरीचक और मसौड़ी में गिरफ्तारी हुई थी कुछ लोगों की, उसके निशानदेही पर जो गौरीचक में एक लूट की घटना घटी थी, इसमें वो क्या बरामद हुआ था गौरीचक से? ना, इसके पहले जो मोबिल बरामद बरामद हो गया था, उसके बाद इन अपराधियों पर लगातार काम चल रहा था, उसके बावजूद ये लोग घटना खगड़िया में इधर उधर कर रहे थे। या तो इनको पता नहीं चल रहा था कि पुलिस इनके पीछे है, और पता था तो इनके डेस्परेशन को ये दिखाता है। हालांकि फिर अंततः हम लोगों ने इन सभी लोगों को पकड़ा, कुछ 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से कई केसेस में लूटी गई सामानों की बरामदगियाँ हुई हैं। हम लोग के यहाँ से जो 2 घटनाएँ घटी थीं, गौरीचक में जो मोबाइल की लूट हुई थी वो पहले बरामद हो चुका है, उसके अलावा पिछले महीने प्रिंटर की लूट हुई थी पिकअप वैन से, 37 प्रिंटर को हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा बिहटा थाना से एक डकैती घटना हुई थी जिसमें कि टाटा टियागो गाड़ी को लूटा गया था, वो टियागो गाड़ी बरामद हो गया है। इसके अलावा नासरीगंज से एक स्विफ्ट डिज़ायर लूटी गई थी 25 जनवरी को, उसको बरामद किया गया है। शाहजहाँपुर से एक स्कॉर्पियो लूटी गई थी, वो बरामद हुआ है। परबत्ता थाना नौगछिया से एक स्कॉर्पियो लूटी गई थी, वो बरामद हुआ है। इस कुल मिलाकर इसमें 11 केसेस हैं, नासरीगंज के, शाहजहाँपुर के, परबत्ता के, महेशखूट के, दीदारगंज के, गौरी चक के 2 हैं, शाहपुर, पंडारक, मोकामा, बिहटा, ये टोटल इनकी 3 केसेस से खुलासा हुआ है और 9 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। बरामदगी इनके पास से 4 हथियार हैं जो ये इस्तेमाल कर रहे थे और 8 गोलियां हैं। लूटा हुआ स्कॉर्पियो 2 है, लूटा हुआ कार 1 है और प्रिंटर बरामद हुआ है और पिकअप का हम लोग को निशानदेही मिल गया, उसको बरामदगी हम लोग करेंगे। और ये लोग शहर में ही हनुमाना के इलाके में अपना डेरा जमा के रहते थे। आफ्टर 10 ये लोग हाईवे पकड़ के आस पार के क्षेत्र में काफ़ी लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद संभवतः उस घटना पर अब रोक लगेगी, क्योंकि इनके लगभग पूरे गैंग को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी जो हम लोग पिकअप की बरामदगी करेंगे तो उस कड़ी में कुछ और गिरफ्तारियाँ संभव हैं। और ये सभी लोग पटना जिला के ही रहने वाले हैं, 9 के 9, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र आसपास के सभी जिलों में था। यही 2 केस थे जिसके बारे में आपको घटना घटी थी, जिसको कि लार्जर मीडिया में बड़े प्रमुखता से कवर किया गया था कि एक हत्या की घटना है जिसमें कि 26 वर्षीय युवक आलोक रंजन की गोली मारकर हत्या की बात आई थी, लेकिन उसके अनुसंधान में पता चला था कि उसको गोली लगी है इंद्रपुरी के एक मकान में, जहाँ कि उसके दो दोस्त किराए पर रहते थे और वहीं पर वो गया था। और डिसीज्ड के परिजन के बयान पर एक केस दर्ज हुआ था मर्डर का और साक्ष्य छुपाने का। उस आलोक में उसके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिमांशु कुमार और अभिषेक कुमार, और उनकी निशानदेही पर वो हथियार भी बरामद हो गया है जिससे गोली चली और जिससे कि आलोक की मृत्यु हुई। और इन लोगों के ऊपर साक्ष्य छुपाने का आरोप स्पष्ट है, जैसे उस मर्डर केस में इन लोगों को जेल भेज रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि वो आलोक ही लेके आया था, आलोक इन तीनों में सबसे बड़ा भी है, 26 वर्षीय है वो। और घटना के बाद बहुत सारे फुटेज भी पब्लिक डोमेन में आए थे जिसमें कि देखने को मिला था कि ये लोग इलाज कराने के लिए उसको भिन्न भिन्न चिकित्सालयों में लेके गए थे, लेकिन इनकी निशानदेही पर ही वो हथियार बरामद हुआ है। ये लोग PNM मॉल के पास एक नाला है जहाँ से उस हथियार को जहाँ फेंक दिए थे उसको हमने बरामद कर लिए हैं। तो इनकी उपस्थिति में वो घटना घटी है और उसके बाद साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया गया है और पुलिस से भागने का प्रयास किया गया है। इतना तो इनके ऊपर आरोप सिद्ध होता ही है, इनकी जो भी बयानी है उसके बावजूद। तो
वैसे इस केस में जो मर्डर का केस हुआ उसमें हम लोग जेल भेज रहे हैं। ये जानकारी इन लोगों का वर्जन है कि वो बड़ा परेशान था और हथियार लेके आया था और वो कुछ करना चाह रहा था, तो वो छीना छीने में कि कुछ कर न ले, ऐसा इनका वर्जन है। लेकिन जो जो घटनाक्रम रूम के बाहर पब्लिक डोमेन में दिख रहा है और इनके कंडक्ट से दिख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि घटना या तो गलती से इनके हुई या इरादतन हुई, लेकिन इन्होंने हथियार जो फेंका है तो इनका कल्पेबिलिटी उसमें शामिल होता दिखाई देता है, इसलिए हम लोग उनको उस केस में जेल भेज रहे हैं। ऐसा भी जी है, इसमें कमीशन की तैयारी करते थे, काफी तेज थे पढ़ने में, जो इनके दोस्त थे, जैसा कि कुछ वर्जन आ रहा है, वो बैकग्राउंड इस केस से रिलेवेंट है, वो क्या करता था, हम लोग घटना के बाद की बात कर रहे हैं। रूम में उस वक्त इन तीनों के अलावा कोई चौथा ना, और कोई नहीं था, और कोई नहीं। सीन में गोली कैसे लग गई, वो किस परिस्थिति में लगी है गोली? कई एक बार ऐसा होता है, बहुत सारे अपराधी को हम लोग पकड़ते हैं और खुद से गोली लगा हुआ अपराधी बाद में पकड़ाता है, पहले लगता है कि इसने गोली मार दिया है, पॉकेट में कोई हथियार रहता है और ये लोडेड होता है, वो क्लिक कर जाता है। ये लोग बीच में डेड बॉडी को छोड़कर भागे कहां? क्यों उसी 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 वजह से इन लोग के ऊपर कल्पेबिलिटी आ रही है और ये जेल जा रहे हैं। अगर ये पुलिस के सामने आ जाते और जो स्टोरी अभी बचाव में बता रहे हैं उस वक्त बताते तो कुछ बात और होती, लेकिन इनके ऊपर मर्डर का केस हुआ परिजन के बयान पर और इनकी निशानदेही पर हथियार बरामद हुआ है, जिस हथियार से गोली चली है। अगर वो FSL में हम लोग भेजेंगे मैच कराने के लिए, और अगर वो मैच कर जाते तो इनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाएगा। अब एग्जैक्ट टाइमिंग हम लोग इस बारे में उससे नहीं पूछ पाए हैं, लेकिन उस रूम में ही घटना घटी है, उसके बाद में उस रूम की पहचान हुई थी, उसका शिनाख्त कराया गया था, तो खून के धब्बे वहाँ मिले थे और इन लोगों के मैंने भी ये बात स्वीकारा है कि उसी रूम में वो घटना घटी है। अवैध हथियार, ये रेवलेशन इन लोगों ने नहीं किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।